बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एक्सपो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सी, डिफरेंट सी रेसिपी जो कि बहुत ही मजेदार है। ये है चॉकलेट बनाना केक, और इसको हम जर्मन मोल केक भी कहते हैं। असल में ये जर्मन रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है, बहुत मजेदार होता है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत सिंपल सी और बिल्कुल इजी सी रेसिपी है, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से इजीली बन सकती है। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अंडे, उनकी मैंने गद्दियाँ अलग कर ली हैं। हम गद्दियों को अलग से बीट करेंगे और एग वाइट्स को अलग से। अब हम गद्दियों को बीट करेंगे 2 मिनट के लिए हाई स्पीड पर। उसके बाद हम इसमें, जब इनका कलर चेंज हो जाता है तो हम इसमें 50 ml वाटर ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करते जाएंगे और साथ साथ में इनको बीट करते जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 145 ग्राम चीनी और इसको मैंने पीस लिया था, और ये मैं ऐड करूँगी आहिस्ता आहिस्ता से। जब भी मैं ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी, इसको बीट करते जाएंगे हम। इसी तरह से मैं सारी चीनी इसमें ऐड कर लूँगी और इनको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी 2 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने ली है 4 एग व्हाइट्स, 4 अंडों की सफेदियाँ। इसमें मैं 1 पिंच नमक ऐड करूँगी और इसको बीट करूँगी। ये वही 4 अंडे थे जिनकी हमने जो सफेदियाँ हैं वो अलग से बीट कर ली हैं। अब हम सफेदियों को अच्छी तरह से अलग से बीट करेंगे। जब तक इनकी सॉफ्ट पीस नहीं आ जाती तब तक इनको बीट करते रहेंगे। जिस तरह से हमें इसकी सॉफ्ट पीस चाहिए उस तरह की आ गई हैं, तो अब हम इसको बीट करना बंद कर देंगे। ये रेडी हो चुका है, इसको साइड पे कर लेंगे। ये वो एग योक्स हैं जो हमने शुगर ऐड करके बीट कर ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा यहाँ पे लिया है मैंने 145 ग्राम। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको हम बीट करते जाएंगे। लम्स इसमें नहीं बनने चाहिए। थोड़ा सा और ऐड करेंगे और इसी तरह से हम सारा ऐड करते जाएंगे, सारा ऐड कर लेंगे और इसको बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 25 ग्राम्स कोको पाउडर। अब जो हमने मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। आप हैंड से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सारा ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कोई इसमें लम्स वगैरह ना रह जाए। अब स्पैचुला को यूज करते हुए जो साइड वगैरह पे लगा है वो उतार लेंगे अच्छी तरह से और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल मिक्स होके रेडी हो गया है। अब जो एग वाइट्स हमने बीट कर ली थी, जिनकी सॉफ्ट पीस हमने बनानी थी, वो हम थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड करते जाएंगे। एकदम से सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसको हल्के हाथों से बिल्कुल इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद जो बाकी भी बची हैं वो ऐड करेंगे इसमें और उसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह हम सारा ऐड करके मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। सारे अंडों की स्पैडियाँ हमने ऐड कर ली हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लफी सा मिक्सचर जो है, बैटर है केक का, वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 ग्राम्स बेकिंग पाउडर, और ये जो मैदा वगैरह, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, हर चीज़ को छान के यूज़ किया करें। और यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें छान के यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बेकिंग में। केक का ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो चुका है पैन में जाने के लिए, तो हम इसको अब पैन में बॉइल कर देंगे और इसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। बैटर ऐड करने के बाद पैन को अच्छी तरह से एक दफ़ा झटकने ताकि सब कुछ इवनली स्प्रेड हो जाए। अब हम इसको पतीले में बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। और अगर आप इसको ओवन में बेक करें तो इसको 180 डिग्री पर आप बेक करेंगे
20 से 25 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं तो अब हम इसको चेक कर लेंगे स्टिक वुडन स्टिक के साथ कि ये पक चुका है कि नहीं। तो देखें वुडन स्टिक बिल्कुल खाली आई है तो इट्स मीन ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको मैं डिप करूँगी अच्छी तरह से जब तक इसकी सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाती और ये 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छी तरह से डिप हो जाएगी। सॉफ्ट पीक्स आ चुकी है। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क लिया है वो ऐड कर दूँगी इसमें और इसको ऐड करने के बाद इसको दोबारा से हम बीट कर लेंगे 2 मिनट्स के लिए। व्हिपिंग क्रीम में ऑलरेडी चीनी होती है तो इसलिए इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास दूसरी क्रीम हो तो आप उसमें शुगर ऐड करके उसको बीट कर सकते हैं। केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल जितनी उंगली मैंने रखी है इतना किनारा छोड़ कर हम यहाँ पर कट लगा लेंगे पूरी बिल्कुल राउंड सा कट लगा लेंगे और फिर इसको दरमियान से इस तरह से कट लगा कर इसी तरह से सारा अंदर से निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा। इसी तरह से इसको काटते हुए हम इसको अंदर से बिल्कुल खाली कर लेंगे इसको हॉलो कर लेंगे और आप लोग भी इसी तरह से एहतियात से काटते हुए इसको अंदर से खाली कर लें। देखें बिल्कुल खाली कर लिया है इसको अंदर से। इसमें बिल्कुल नीचे वाली बस बेस है और कुछ नहीं है। अब जो हमने क्रीम डिप की है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी बेस को कवर कर देंगे क्रीम से। अच्छी तरह से मैंने केक की बेस को क्रीम से फिल कर लिया है। आप इसी तरह से प्याज ऐड कर फिल कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 5 केले ले लिए हैं और अब इनको मैं इसमें अच्छी तरह से फिट कर दूंगी। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा। और हमने बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंज कर दिए हैं केले। अब जो हमारे पास बाकी क्रीम है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसको अंदर से भी और ऊपर से भी अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर देंगे बिल्कुल ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा केक का निकाला है हमने अंदर से उसको हम चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। केक के पीसेस को अच्छी तरह से चॉप करके हम इसका बारीक सा चूरा बना लेंगे। अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लीजिएगा इसको बारीक सा चूरा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे और बड़ी प्लेट लेंगे और उसमें हम बेकिंग पेपर को इसी तरह से स्ट्रिप्स बनाकर अरेंज कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपना केक रख लेंगे। पहले मैं छोटी प्लेट में ही इसको लगाने लगी थी तो वो बहुत बिखर रहा था चूरा, तो फिर मैंने इसको बड़ी प्लेट में अरेंज कर लिया है और इसी तरह से हम इसके ऊपर सारा चूरा डालते जाएंगे इसकी साइड्स को और इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और आराम आराम से प्यार प्यार से हाथों से इसको अच्छी तरह से कवर करने के साथ है तो इसको मैनेज भी करते जाएंगे कि इसकी राउंड शेप रहे और कहीं से बिखरे ना। देखें ये हमने बिल्कुल चूरे से इसको कवर कर लिया है और कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब भी आराम से हम जो साइड के पेपर हैं वो उठा लेंगे और हमारा बिल्कुल केक रेडी हो गया है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे ऊपर से और फ्रिज में रखकर इसको ठंडा कर लेंगे। अब इसको आपको काट के दिखा देते हैं। अच्छी तरह से केक पील होना बहुत ज़रूरी है। बहुत टेस्टी बनेगा बहुत मज़े का, लेकिन अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए और कवर करके इसको ठंडा कीजिएगा। तो हमारा ज़बरदस्त सा मज़े का केक खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही डिफरेंट और मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है और कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही यूनिक सा केक बना है और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह आप इसके स्लाइसेस कट करेंगे तो इसमें इसी तरह से केले कट होंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी आती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ भी नया और अच्छा सिखाया है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत एक अप्रिसिएशन होता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, उससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।